हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश की बुक का चैप्टर वन, टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। तो जो दो छोटी बेबी बर्ड्स थी वो किस तरीके से अलग हो गई थी। देखिए, इसका आंसर है, ड्यूरिंग अ टेरेबल थंडरस्टॉर्म द टू बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। बोथ फेल एट डिफरेंट प्लेसेस, एज अ रिजल्ट दे गॉट सेपरेटेड। तो क्या हुआ था ना कि एक बार थंडरस्टॉर्म आया था। थंडरस्टॉर्म होता है बहुत ही तेज़ तूफान। तो काफ़ी तेज़ तूफान आया था और जो छोटी सी बेबी बर्ड्स थी ना उसमें वो ट्री के ऊपर रहती थी। बहुत तेज़ तूफान आया, ट्री की जो डाली होती है जिस पे वो रहती थी वो टूट गई और वो जो फॉरेस्ट है जंगल के अलग अलग हिस्सों में चली गई दोनों और एक दूसरे से बिछड़ गई। सेपरेट होने का मतलब होता है अलग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। उन दोनों को फिर मतलब कहाँ कहाँ वो जाकर रहीं, उनको घर कहाँ कहाँ मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये रहा, वन ऑफ द बर्ड फाउंड इट्स होम नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, द अदर फाउंड इट्स होम इन ऋषिज आश्रम। तो एक जो है उसको कहाँ पर घर मिला, जहाँ पर रॉबर्स का गैंग था, मतलब जहाँ पर ये जो चोर व रॉबर्स होते हैं, जैसे डाकू चोर वगैरह उन्हें रॉबर कहते हैं। तो एक तो रॉबर्स के पास जाकर के रहने लगी और एक जो है वो ऋषि के आश्रम में रहने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बर्ड फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो फर्स्ट बर्ड थी उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा। स्ट्रेंजर होता है अजनबी, जिसको नहीं जानते वो स्ट्रेंजर होता है। तो पहली जो बर्ड थी उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा, तो इसका आंसर है, द फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। तो क्या कहा था फर्स्ट बर्ड ने, कि चोरों से कहा था कि जल्दी से आ जाओ, ट्री के नीचे पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी से आओ, उसके जो ज्वेल्स हैं, उसने जो जेवर वगैरह पहने हुए हैं, उसका जो घोड़ा है वो ले लो, जल्दी आओ, नहीं तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो पहली बर्ड ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। जो सेकंड बर्ड थी उसने क्या कहा था, तो इसका आंसर है, द सेकंड बर्ड सेड टू द किंग, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो जो सेकंड बर्ड थी उसने किंग से कहा था कि वेलकम, मतलब वेलकम किया था आश्रम में किंग को और कहा था कि आप अंदर चले जाइए और आराम कर लीजिए, ऋषि जो हैं इस आश्रम में जो रहते हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे और घड़े में ठंडा पानी रखा हुआ है और आप उसको ले सकते हैं और आप खुद मतलब आराम से कंफर्टेबली बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव। तो ऋषि ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, दो अलग अलग तरीके से बिल्कुल जो बर्ड्स ने बिहेव किया था। तो इसका आंसर है, देखिए, द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। तो ऋषि ने बताया कि जो पहली बर्ड थी वो हमेशा रॉबर्ट्स की, मतलब जो डाकू वगैरह थे उनकी ही बातें सुनती थी, सो इट इमिटेटेड देम एंड टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपल। तो इमिटेट करने का मतलब होता है अनुसरण करना या फिर फॉलो करना। तो जैसे कि जो फर्स्ट बर्ड थी वो डाकू वगैरह के साथ रहती थी, तो जिस तरीके की बातें वो सुनती थी उसी तरीके की बातें उसने बोलना शुरू कर दिया, अबाउट रॉबिंग पीपल। रॉब का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, अबाउट रॉबिंग पीपल। द सेकेंड बर्ड हैड रिपीटेड वॉट इट हैड ऑलवेज हर्ड इन द आश्रम, सो इट वेलकम्ड पीपल टू द आश्रम। तो सेकेंड बर्ड जो थी उसने वही रिपीट किया जो हमेशा से वो सुनती आ रही थी, क्योंकि हर किसी को आश्रम में वेलकम किया जाता था, बुलाया जाता था, इसलिए सेकेंड बर्ड ने भी जैसे किसी विजिटर को देखा तो उसने आश्रम में उसको बुलाया लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, मतलब अच्छे से स्टोरी के बारे में कौन सी चीज बताता है, कौन सा स्टेटमेंट। तो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो इसका ये मतलब होता है, इंसान अपनी कंपनी से जाना जाता है, मतलब जो एक व्यक्ति है वो जिस तरीके के लोगों के साथ रहता है ना वो वैसा ही हो जाता है। तो द वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ठीक है। तो ये हमारे इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। मेरे को सीरियसली याद नहीं रहा था कि मैंने सिक्स स्टेप जो सिक्स क्लास है इसकी सेकंड बुक का के क्वेश्चन आंसर्स मैंने नहीं किए हैं। अभी मैंने कमेंट पढ़ा था किसी का कि प्रोवाइड करिए, तो मेरे को ध्यान आया कि तो अब मैं जल्दी से ही पूरी बुक कम्प्लीट इसकी कर दूँगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।